तो ये देखिए, आज हमने बनाई है शबे बारात स्पेशल हलवा रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप रिफाइंड ऑयल। आप इसके जगह पर घी का भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों चीज 1-1 कप है। इन तीनों चीज का नाप को बराबर रखना है। आप किसी भी कप या ग्लास की हेल्प से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। अब हम इस पर ऐड करेंगे बटर और बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर जले नहीं, इसलिए हम इसमें ऑयल भी ऐड कर दे रहे हैं। हलवे में देसी घी से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप ज़रूर ऐड करें। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप रिफाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने लिया है नारियल, काजू और पिस्ता बादाम। आपको जो सा पसंद है आप वो इसमें ऐड करें। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें किशमिश भी मिला देंगे। हमने किशमिश को इसलिए नहीं घी में ऐड किया था क्योंकि किशमिश जल जाती है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। तेल अभी गर्म है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। आपको सूजी को रेगुलर चलाते हुए रोस्ट करना है ताकि आपका हलवा एकदम ही दानेदार बने। तो ये देखिए, इसे रोस्ट होते हुए 5 मिनट हो चुका है। ये देखिए, सूजी ने तेल रिलीज कर दिया है और ये बिल्कुल दानेदार हुई है, आप देख सकते हैं, जिससे हमारा हलवा और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होएगा, बिल्कुल हलवाई के जैसा। सूजी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसे स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे पानी। जिस कप से हमने सूजी लिया था उसी कप से हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, 3 कप। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हलवा एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल दानदार हलवा होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब हम इसी स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे चीनी और अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे और हम चीनी को भी मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, ये थोड़ी ही देर में इसकी थिकनेस आने लगी है। अब हम इसे रेगुलर चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो ये देखिए, हलवा थिक होने लगा है। इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसे हमने रोस्ट कर लिया था। आप अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये हलवा दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, वो भी लग रहा है कि हमने इसे चाशनी के साथ बनाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा एसेंस। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हलवा बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना है और इसका दाना दाना अलग है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए, शबे बारात स्पेशल हलवा रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल हलवाई के जैसा बना है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।